खबर उपरे नजर पकाइबा कुन्नूर हेलिकॉप्टर क्रैश रे शहीद होइतिबा ओडिया जवान शहीद राणा प्रताप दास को पार्थिव शरीर आज तांको पैतृक गांव पहुंचिबो। पैतृक गांव तालचेर कुंडाला पंचायत कृष्णचंद्रपुर शेष विदाय चली प्रस्तुति राष्ट्रीय मर्यादा सह हेबो अंतिम विदाय शहीद राणा प्रताप को झुरुछंती ग्रामवासी। जाजपुर जिला 16 नंबर जातीय राजपथ गोलेपुर टिकर पोल निकटे पेट्रोलिंग ड्यूटी करुवा समय ट्रलर गाड़ी धक्कर जड़े होमगार्ड कर्मचारी मृत्यु दुर्घटना घटाई आंध्र ट्रलर गाड़ी को पुलिस जबत करने सहित ड्राइवर को गिरफ्त कर मृत पुलिस कर्मचारी कुआखिया सत्यनारायण पंडा होता जमापड़। शेष होला विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन गोटे दिन भी चली पारानी गृह ममिता झड़े धोगला शीतकालीन अधिवेशन 17 कार्य दिवस पूर्व विधानसभा को अनिर्दिष्ट काल मुलतवी रखिले बाचस्पति तेरे गतकाली विधानसभा देखादेता हिंसा राजनीति छड़ आंदोलनकारी विरोध में पुलिस मात्राधिक कार्यानुष्ठान प्रतिवाद कर गृह को अचल करते विरोधी ममिता मेहर प्रसंगे गुरुवार बीजेपी पक्ष विधानसभा घेराउटाकरा दिया राज्य सरकार पुलिस लगाई हिंसा भियाई यार प्रतवाद में गतकाली गृह कार्य आरंभ होगा मात्रे बीजेपी सदस्य माने हाथ में प्लाकार्ड और ब्यनर धरी गृह मध्य भाग में हट्टगोल करते कांग्रेस सदस्य माने घंट बाड़े प्रतवाद करते विरोधी नीति नैतिकतार पाठ पढ़ाई शासक बीजेडी। अंडा माड़ कले छेचा खाइले परिस्थिति एभली हेला लुचिबाको कांग्रेस भवन भितरे पसिबाको उद्यम करुथिबा बेले पुलिस पछि आंदोलनकारी को माड़ मारिला। छात्र और युव बीजेपी परे एबे ममिता मेहर हत्या घटना रे सरकार को घेरिबाको रास्ता को ओल्लाइथिला छात्र और युव कांग्रेस अनेक जिलारु आसिथिबा छात्र और युव कांग्रेस कर्मी लोयर पीएमजी रे एकाठी होई राज्य गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र को गिरफ्त दाबी करथिले। आंदोलनकारी को समर्थन जणाइथिले नरसिंह मिश्र निरंजन पटनायक संतोष सिंह सालुजा प्रमुख दल वरिष्ठ नेता राज्य सरकार प्रमुख मुख्य प्रसंगरु लोकों ध्यान हटाइबा को दर वृद्धि भली प्रसंग उठाउथिले सरकार दिव्यशंकर मिश्र विरोध में कार्यानुष्ठान न नेबा जाए आंदोलन जारी रहिबो बोली धमक देछि कांग्रेस। गणतंत्र को हत्या करबा पई राज्य सरकार को उद्यम और आक्रमणकारी पुलिस अधिकारी विरोध में कार्यानुष्ठान दाबी करिछन्ति कांग्रेस कर्मी। दिन थिला महानदी में गभीर जलराशि देखि लोके भय करुथिले हेले से समय महानदी और एबेकार महानदी मधे अनेक किछि फरक देखा मिली कारण महानदी में कमी जाइछि जलस्तर स्थिति एपरी जे डंगा मध्य चलिबारु नदी में पानी नाही नदी उपरे निर्भर करुथिबा मत्स्यजीवी जीविका हराइथिबा बेले चाष जमी को मध्य पानी पहुंचिबा मुश्किल होई पड़िछि। एहा परे पानीय जल समस्या कथा न कहिबा भल बौद्ध जिला नदीकूलिया लोकंक निद हजाइ देछि महानदी चित्र राज्य सरकार सूचना अनुसार छत्तीसगढ़ में चेक ड्याम और ब्यारेज निर्माण कारण हीराकूद को आसुना पर्याप्त जल हीराकूद जलभंडार को 2 मिलियन एकर फुट मौसुमी जल प्रभाव आसवाक बेले गत 1991-92 2004-05 हाराहारी 4% और 2005-06 2015-16 37% कमी से 2016-17 65% और 2017-18 61% ह्रास पाई जमापड़। नुआ वर्षरे भक्तंकु मिलिबनी जगा दर्शन नुआ वर्षरे लक्षाधिक भक्तंकु भिड़ आशंका रहिथिबारु डिसेंबर 31 और जनवरी 1 तारीख रे दर्शन बंद रखा जायछि। पूर्वभळी प्रति रविवार भी दर्शन बंद रहिबो फळरे डिसेंबर 31 जनवरी 1 और 2 तारीख रे श्रीमंदिर दर्शन बंद रहिबो। ओमिक्रोन संक्रमण को दृष्टि रखि शुक्रवार दिन छत्तीसगढ़ नियोग बैठक रे ए निष्पत्ति निया जायछि। छत्तीसगढ़ नियोग प्रस्ताव क्रमे दर्शन व्यवस्था रे परिवर्तन आणिबाकु मध्य निष्पत्ति होइथिला। पूर्व बनक लागे समय रे श्रीमंदिर दर्शन बंद रहुथिबा बेले एबे बनक लागे समय रे भी भक्त माने श्रीमंदिर रे प्रवेश करी गरुड़ स्तंभ पार्श्व देवादेवी को मंदिर बुलिबा सह दर्शन करि परिबे किंतु बनक लागि पई जय विजय द्वार और बेहरण द्वार बंद रहिबो महाप्रभु को दर्शन मिलिबनी। डिसेंबर और जनवरी रविवार डिसेंबर 31 और जनवरी 1 को छाड़ी देले बाकी पर्वपर्वाणी रे भक्त माने महाप्रभु को दर्शन करि परिबे। बहुचर्चित तपस्विनी और सुमित घटना एवं नुआ मोड़ नहीं उभय रहुथिबा आशिका चीनी शिल्प गेस्ट हाउस गतकाली दिन 11 बेले डाक्टर सुमित निज कार्यस्थल बालीसरा डाक्तरखाना को जाई 2 घंटा ड्यूटी करी 5 दिनिया छुट्टी दरखास्त दे जाइथिबा थाना अधिकारी प्रशांत साहू सूचना देछंती। हेले डाक्टर सुमित दीर्घ समय धरी डिंपल पाखक न आसवा और फोन स्विच ऑफ थिबा घटना एबे चर्चार विषय पलटि डाक्टर सुमित को अचानक छुट्टी जा गेस्ट हाउस को न आसवा घटना अनेक दिगक इंगित करुछि तेबे तांको वकील कहिछंती सुमित तांको सह जोगाजोग रे अछंती से फेरार होइ नाहंती।
विश्वप्रसिद्ध बरगड़ धनुजात्रा स्थगित जिलापाल सम्मेलनी कक्षे होता बैठक में निष्पत्ति जिलापाल मनीषा बानाजी के अध्यक्षतार धनुजात्रा कमिटर कार्यकारी बैठक अनुषित होता राज्य सरकार कोविड गाइडलाइन अनुसार धनुजात्रा भली एक जनसमागम विशिष्ट कार्यक्रम हो पारना तेणु यह वर्तमान पर स्थगित रखा जानुरी मसर गाइडलाइन को अपेक्षा कर कमिटी में निष्पत्ति जानुरी गाइडलाइन अनुसार जदि धनुजात्रा पालन करवा संभव हो तेज आउ थ बैठक बस आलोचना हो कमिटर सभापति तथा जिलापाल आसंता वर्ष जानुरी 18 तारीख ठू 28 तारीख पर्यंत धनुजात्रा होवार कार्यक्रम रही। राज्यर चाषी को चारिआड़ विपद पाचिला धान एवं अनेक अंचल पानी में बुड़ रही बेले तुरंत अमल करने लगि पड़ती चाषी हेले अमल धान को नहीं चाषी करिब कौन अमल धान एवं मंडी में बिक्री हेबो नाही ताकु नहीं मध्य विराट प्रश्न पानी छाणी आणिबा धान मंडीर एफक्यू मानर हेबो ना नाही ताकु नहीं मध्य संदेह देखादेछि। कृषि विशेषज्ञों कहिबा अनुसार चाषी अमल करिबा धान दुई तीन दिन मध्य बिक्री न करि पारिले ताकु गच्छित करि रखिले ताहार अधिक खराब होबार संभावना रही। सेपटे सरकार को प्रत्येक राजनैतिक दलर दाबी राज्यर चाषी पर तुरंत क्षतिपूरण दि जाऊ राज्य सरकार कहीं क्षयति आकलन कर क्षतिपूरण देवाक पदक्षेप ने प्रश्न करिजिता धान को रखा चाषी स्थान भाव थिबा बेले राज्य सरकार पाखे स्टोरेज कैपासीटी लो थिबा विरोधी कहते। पारादीप महाविद्यालय परिसर में मो कॉलेज अभियान कर्मशाला अनुषित हो जाएगी। महाविद्यालय अध्यक्षा सस्मिता शतपथी अध्यक्षत अनुषित एक कर्मशाला मुख्य अतिथि भाव में मो कॉलेज अभियान अध्यक्ष आकाश दास नायक जोगद छात्र छात्री मानू मो कॉलेज अभियान संपर्क में अवगत कराई। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक शिक्षार विकास सहित छात्र छात्री मानू आत्मनिर्भरशील करने सबुबले प्रयास कर उन्नति पुरतन छात्र छात्री अवदान रहा आवश्यक प्रकाश करते। कर्मशाल अन्मे मो कॉलेज अभियान पारादीप कॉलेज संयोजक अक्षय चंद्र मिश्र कुजंग कॉलेज अध्यक्ष राहमा कॉलेज अध्यक्ष और सारा महाविद्यालय अध्यक्ष समेत बहु पुरतन छात्र छात्री जोगदी। पूरा देश प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत तांकर पत्नी मधुलिका रावत को शेष विदाय दुई झी कृतिका और तारिणी एका संगे से मुखाग्नि उभय पंचतत्व विलीन हो पछे छाड़ जाती अपसर स्मृति देशभक्ति अंतिम विदाय बेले पूरा देश भावुक हो महाजोधा महाविदाय को देश केबे भी भूली पारिबनि। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को 17 तोप सलामी दि जाता बेले 800 जवान उपस्थित थे। शुभुला केवल भारत मातार जय जयकार नारा अग्नि को साक्षी रखे जहां हाथ धरी बंचा मरवाई प्रतिज्ञा करते साथी शेष जत्रे बाहरी जा पत्नी मधुलिका बंची बेले जेनेल सहित थे मृत्यु पर भी तांकर सहित से चली जाती हिंदू रीतनीति अनुसार मधुलिका रावत को सौभाग्यवती भाई लाल रंगर शाढ़ी और चूड़ी पिंधाई विदा कर। कुन्नूर हेलिकॉप्टर क्रैश घटना रे शहीद ब्रिगेडियर अल एस लीडर को अंतिम विदाय दिया जाएगी। परिवार सदस्यों उपस्थिति में शेषकृत्य संपन्न होइछि। अंतिम दर्शन करिछन्ति बहु सेना अधिकारी डिसेंबर 1990 जम्मू राइफल रे से योगदान दे देश सेवा आरंभ करिथिले। किछि दिन मध्यरे मेजर जनरल पदवी को तांकर पदोन्नति होइथांदा। काश्मीर आतंकी विरोध में लड़े में तांकर प्रमुख भूमिका मध्य रहिथिला। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य अंतिम दर्शन करी श्रद्धांजलि देथिले। शेषको जिदिरु ओहरिछन्ति महिला मिलित कृषक मोर्चा सदस्य माने दिल्ली सीमा को दीर्घ एक वर्ष धरी अवरोध कर बसी रही कृषक माने केन्द्र सरकार सहित आलोचना सफल होगा पर आंदोलन ओहरी जाती। कृषि आईन प्रत्याहार पर एमएसपी ग्यारंटी आईन समेत तमाम अन्यान्य दाबी को नहीं मिलित कृषक मोर्चा और केन्द्र सरकार सहमति हो पारी। यापर एक वर्ष धरी दिल्ली सीमार बसी रही कृषक मैंने प्रत्यावर्तन करने आरंभ कर सीमार निर्मित पक्का घर गुड़ भांगी राजपथ खाली करा जाउछि। कृषकों कहिबा कथा से माने एही सब घरे लागिथिबा इटा निज घर को नै जिबे एवं गां लोकन को देखाइबे जे किभले से माने सरकार को विरोध रे लढै करथिले। तबे दीर्घ दिनरो बंद होई पड़िथिबा राजरास्ता एबे स्वाभाविक हेबार लागिछि। सबडे क्षतिपूरण को नै सहमति प्रकाश परे विद्युत बिल को नै कुहा जाइछि जे एहा को संसद रे आनिबा पूर्व मिलित कृषक मोर्चा सह आलोचना करा जइबो। तीनि कृषि आइन
ଉହାଡ଼ରେ ନିରୀହ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଖୋଲିଯାଇଛି ମୁଖା, କାରଣ କୃଷକମାନେ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ବି ଟିକାୟତ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷକମାନେ ଏକଥା ବୁଝିପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା ବି ହେଲା। ଏବେ ଟିକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବେରୋଜଗାର ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁ ଟିକାୟତ କେବେ ଦିନେ 150 ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦାବି କରୁଥିଲେ ଆଉ କେବେ ମୃତ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଜମି ମାଗୁଥିଲେ, ଖୋଦ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏବେ ବର୍ଡର ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏହି ବିଳାସଜୀବୀଙ୍କ ତମ୍ବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଟିକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବା ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଠିଆଳ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗାମା ଉତ୍ପାତ ଏବଂ ଅରାଜକତା କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମାତ୍ର ମିଳିତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବିଳାସଜୀବୀଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ପାଣି ଭରିଦେଇଛି। ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ କାମ କରିବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥିଲାଗି ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପେଟିଏମ୍ର ଆର୍ଥିକ ସେବା ଯୋଗାଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପେଟିଏମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ ପେଟିଏମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍, ପ୍ରାଥମିକ ନିଲାମ, ସ୍ଥାୟୀ ରେଟ୍ ଏବଂ ଚଳନ୍ତି ହାରର ରେପୋ, ରିଭର୍ସ ରେପୋ ଏବଂ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫାସିଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ରଖିପାରିବ। ଏହା ବାଦ୍ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ଲାଗି ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଭଳି ଖବର ଆସିବା ପରେ 197 କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ସେୟାର କାରବାର 2.6% ଉପରେ ରହି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସହଯୋଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ। କ୍ଲାସରୁମ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ହୁମୁକି ଗାଁରେ ଥିବା ହାଇସ୍କୁଲର କଥା, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ 5G ଯୋଜନାକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। 1954 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ନବମରେ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦଶମରେ 26 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 5G ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ତୁଟିପାରୁନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବେହେରା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଡ଼ା ଗାଁ ଓ ଲଣ୍ଡା ପାଜୁ ଗାଁ ଦୁଇଟି ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମରେ 40 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନା ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି, ନା ଖଣ୍ଡିଏ ଅଛି ରାସ୍ତା, ଏବଂ ନା ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ରହିଛି। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଖଟିଆରେ ରୋଗୀ ବୁହା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ। ଶିକ୍ଷା କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ପିଲାମାନେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଥିବା କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଚାଲିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ପାଦ ଏଠି ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିକାଶ ସାଧନ ହେବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ଦିନ ରାତି କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ପେପର ମ୍ୟାଚି କାରିଗର। ତେବେ ପେପର ମ୍ୟାଚିରେ ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପେପର ୱେଟ୍, ଫୁଲଦାନୀ, ମ୍ୟୁରାଲ, କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଆଦି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଆଗକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାରସ ମେଳାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଉତ୍ସାହ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପେପର ମ୍ୟାଚି କାରିଗରଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସାରସ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆନନ୍ଦପୁରର 2 ଉତ୍ପାଦିକା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର 500 କାରିଗର ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବା ନେଇ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ସୂତା ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କପଡ଼ା ଉପରେ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି। ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କାରିଗର ଲାଗିଛନ୍ତି ଏହି ଲୁଗା ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ସୁରତରେ କପଡ଼ା କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରୁଥିବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସୁରତର ନୁହେଁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଭୋଗରା ଗାଁର। ଗାଁର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ 2018 ମସିହାରେ ତନ୍ତୁଲମ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ନାମକ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲି ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ତନ୍ତ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
2010 मसीह दिल्ली एमबीए करी कंपनी रे चाकरी करी अन्यक रोजगारक्षम कराइबार निशा श्रीकांत को चाकरी रो दूरे 2014 रे एक प्राइवेट स्कूल खोली शिक्षादान आरंभ करथिले भी दैनंदिन जीवन आवश्यकता थिबा कपड़ा व्यवहार पई एक कपड़ा शिल्प आरंभ करथि। आज भी समस्या घेरे मालकानगिरी जिला जिला गठन हेबा परे सरकार याकु अनेक फोकस करिछंती। रास्ता घाट थारु आरंभ करि शिक्षा स्वास्थ्य आदि अनेक क्षेत्र रे जिलार विकास आरंभ करिछंती, तथापि समस्यार समाधान होई पारुनी। एबे भी बणपहाड़ घेरा मालकानगिरी जिलार अनेक अंचल रे मोबाइल नेटवर्क अपहंच, एथिपई आजर डिजिटल युग रे अनेक समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पडुछि अंचलवासीकु। नेटवर्क नथिबा जोगु उपांत अंचल रे ना पहुंचि पारुछि आम्बुलेंस सेवा ना मिलि पारुछि अन्यान्य सरकारी सुविधा, फलरे सरकारक विभिन्न योजनारु वंचित हेउछन्ति हिताधिकारी। करोना काल ऑनलाइन शिक्षादान व्यवस्था करिथिले राज्य सरकार, मात्र इंटरनेट संयोग नथिबारु अनेक छात्र छात्री एही सेवारु वंचित होइथिबा नजीर रहिछि। पड़ोसी राज्यर नेटवर्क उपरे निर्भर करबाकु पडुथिबा बेले अनेक चाकरी आशाई ऑनलाइन परीक्षारु वंचित होइ निज स्वप्नकु साकार करि पारिनाहंती। कोर्टको निर्देशले गतकाल हाजर होइथिले महांगा थाना आईएसी निहार रंजन महांती। महांगा डबल मर्डर घटनार अप टू डेट केस डायरी सहित सीडीआर संग्रह एवं संरक्षण प्रसंगे ग्रहण करा पदक्षेप संपर्क में जनवाप कोर्ट निर्देश देते। डिसेंबर 10 तारीख सका 10:30 सुधा हाजर हो रिपोर्ट दाखल नक शास्तिमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण कोर्ट चेतावनी देते। गत 4 तारीख दिन अधिक समय लोड़ महांगा थाना अधिकारी दायर कर पिटिशन को सालेपुर जेएमएफसी अदालत खारज कर। पूर्व निर्देश अनुसार अप टू डेट केस डायरी सहित मोबाइल फोन तथ्य संग्रह और संरक्षण प्रसंगे ग्रहण कर पदक्षेप संक्रांत 2021 डिसेंबर 10 सका 10:30 सुधा रिपोर्ट दाखल पर तदंतकारी अधिकारी अदालत कड़ा निर्देश देते। एसटीएफ पंछारे हरिण छाल बेपारी बालीपाटना फरेस्ट रेंज अधिकारी सहायतार पिपिली फ्लाईओवर निकट में दुई बेपारी काबू कला पुलिस। सेमानको निकटरु 5 हरिण छाल जबत होईछि। सेमानको निकटरु एक बाइक समेत मारणास्त्र मध्य जबत करा जायछि। गिरफ होइतिबा दुई जन अभियुक्त हेले पुरी बळंगा अंचलर कृष्णचंद्र स्वाई एवं पुरी गोप अंचलर सुनील कुमार पले। एहि दुई अभियुक्त बालीपाटना फरेस्ट रेंज भितरु हरिण शिकार करि तार छालको बिक्री करबा पई योजना करथुबा बेले गिरफ करथिला पुलिस। तबे एहि रैकेटरे आउ कहार संप्रुक्ति रहिछि सेने अधिक तदंत करुछि पुलिस। 2020 रु वर्तमान सुधा 7 हरिण छाल जबत करिछि एसटीएफ। एहासो 21 टी बाघ छाल 12 हाथी दांत 8 जीवंत वज्रकाप्ता 15 केजी वज्रकाप्ता काती जबत करबा सहित पाखापाखी 50 जन को गिरफ करिबारे सफल होइछि एसटीएफ। उदला खुंटरे बंचिथिबा लोकंकु कागजपत्र रे मारिदेले। कोविड रिपोर्ट रे बंची थाउ थाउ मारी दिया जाइछि व्यक्ति को। खुंटा तहसील को एक कोविड मृत्यु जनित रिपोर्ट आसीथिला जेउथिरे 9 जनक नाम रहिछि जे माने कोविड रे आक्रांत होइथिले एवं सेमानकर मृत्यु हो जाइछि। तबे तालिकार 4 नंबर रे खुंटा तहसील धनापनार स्नेहलता दास को नाम रहिछि। से 19 मार्च रे कोविड पॉजिटिव चिन्हट होइथिले एवं होम आइसोलेशन रे रहिबा परे 30 जुलाई रे ताकर मृत्यु होइथिबा रिपोर्ट रे दर्शा जाइछि। तबे स्नेहलता एबे घरे समस्त काम करबा सह बिल रे धान मध्य काटुछथि। पूर्व शत्रुता को केन्द्र करी जाजपुर थाना वृंदावनपुर गांव रे हत्याकांड। कटुरी चोटरे गांव प्रकाश चंद्र दास को मृत्यु होई। गांव को स्ट्रीट लाइट लगाइबा पई आसीथिबा बेले प्रकाश एवं देव मल्लिकों मध्ये झगड़ा होइथिला। एथिरे उत्क्षिप्त होई देव प्रकाश को कटुरी रे हाणी देइथिले। तबे गुरुतर अवस्था रे तांको जाजपुर जिला मुख्य डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइथिबा बेले डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। सेपर अभियुक्त देव को ग्रामवासी अटक रखी पुलिस जिमा देइथिले। उभयंक मध्ये पूर्वरु विवाद लागि रहिथिला। आत्महत्या उद्यम करुथिबा युवकंकु उद्धार कला अग्निशम बाहिनी। आनंदपुर उपखंड बांसगड़ गांव जदु हंक पुओ डांगुर पहाड़ को चढ़ी आत्महत्या करबा को उद्यम करुथिला। स्थानीय लोके खबर देबा परे आनंदपुर अग्निशम बाहिनी घटनास्थल रे पहुंची डांगुर को उद्धार करबा सह मेडिकल भर्ती करथिले। आर्थिक स्थिति सुधुरीबा बदलरे संकट बढ़ुछि। कोरोना भली आर्थिक संकटर निराकरण पई ग्रामांचलरे मनरेगा द्वारा लोकंकु कार्य जोगाइबार व्यवस्था रहिछि। हेले कंधमालरे मास मास धरि काम मिलु नथिबारु मनरेगारु मुह फेराइलेनी हिताधिकारी। तबे टंका न मिलिबारु हिताधिकारी माने नाही नथिबार असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ति।
ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ ଗତ 7 ତାରିଖରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ମିହିର ଦାସ 1979 ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। 1966 ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମିହିର। ସେ ପ୍ରାୟ 150ଟିରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା, ପୁଅ ମୋର ଭୋଳା ଶଙ୍କର, ଟାର୍ଗେଟ ଗୁଣ୍ଡା, ମାଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ପହିଲି ରାଜା, ଚୋରି ଚୋରୀ ମନ ଚୋରି, ବାଜି, ଧୋଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅନ୍ୟତମ। ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଛନ୍ତି। 1999 ବିଧାତା ଓ 2005 ଫେରିଆ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ପାଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମାଲୁଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଫତେପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିଥିବା ବିଶାଳକାୟ ତିମିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତିମିଟି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ନ ପାରି ଉପକୂଳରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଯାଇଛି। ବିଶାଳକାୟ ତିମିର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 35 ଫୁଟ। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଏହି ତିମି ମାଛ କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୂଳକୁ ଆସିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କୌଣସି ଆଘାତ ପାଇ ତିମିଟି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ମାଛଟି ବଞ୍ଚିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ମାଛଟି ମରିଯାଇଥିଲା। ମାଛଟିକୁ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠାଯାଇ ପୋତାଯାଇଛି।